हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आइटॉनिक सॉल्यूशंस। आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन का अगर हम डे चार्ट देखें तो यहां से हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। डिसेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है? डिसेंडिंग ट्राइंगल एक बहुत ही बियरिश पैटर्न होता है कि जहाँ से अगर हम टेक्निकल की बात करें तो वहाँ से हमेशा जो ब्रेकआउट होता है वो नीचे की तरफ होता है। मतलब यहाँ से हमारे पास ये जो ट्राइंगल बन रहा है, प्राइस की जो मूवमेंट है वो इसी ट्राइंगल के बीच में ऐसे चलती है, और जब ब्रेकआउट होता है वो नीचे की तरफ होता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि यहाँ से जो ब्रेकआउट है वो रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए। चांसेस दोनों ही होते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो अगर मैं गूगल पे लिखूँ डिसेंडिंग ट्राइंगल तो आप चेक कर सकते हैं। डिसेंडिंग ट्राइंगल इज़ अ बेयरिश चार्ट पैटर्न यूज इन टेक्निकल एनालिसिस दैट इज़ क्रिएटेड बाय ड्रॉइंग वन ट्रेंड लाइन दैट कनेक्ट अ सीरीज ऑफ लोअर हाई। मतलब हर बार जो आपके लोअर हाई बनते जाएंगे वो आपके कनेक्ट होते जाएंगे, एंड सेकेंड हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन दैट कनेक्ट अ सीरीज ऑफ रोज। दैट मीन्स हमारे पास अभी जो पैटर्न देखने को बन रहा है वो ये है, दैट इज़ सीरीज ऑफ रोज। इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज ऑफ रोज। और ये हमारा क्या है? लोअर हाई, लोअर हाई, एक और लोअर हाई बन गया। सो अब चांसेस हैं कि यहाँ से ये वापस 28 के तक आए या 39 तक आए, राइट? दैट डिपेंड्स कि कहाँ तक आता है। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि यहाँ से वापस आने के बाद फिर वो यहाँ से नीचे आ जा सके। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, या यहाँ से वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो दोनों चीज़ों में पॉसिबिलिटी है। तो हमें देखना है कि किस चीज़ के ऊपर उस टाइम पर कैसी न्यूज़ आती है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो यहाँ पर अपने आपके जो डिसीजंस हैं वो लेंगे। सो ये हमारे पास एक क्लियरली एक डिसेंडिंग ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। मतलब अभी जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो एटलीस्ट वेट करें यहाँ तक आने का, और एटलीस्ट यहाँ तक आने का। जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, जो आज बाय करेंगे और 3-4 महीने या 2 महीने या 6 महीने तक होल्ड करेंगे, तो उनके लिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पर होल्ड कीजिए। अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आप एक राइट टाइम का वेट कीजिए और तभी वहाँ पे इन्वेस्ट करके, और उसके बाद आपको भूल जाना है एटलीस्ट फॉर 2-3 मंथ्स, जब तक वो अपने इस अगले लोअर हाई को नहीं बनाता। सो अभी वेट करेंगे, यहाँ से मैक्सिमम कितना जा सकता है वो भी चेक करते हैं, और कहाँ तक आ सकता है ऊपर या कहाँ तक नीचे आ सकता है वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़े बड़ा कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी क्या बन रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इसका जो मैक्सिमम प्राइस है वो 50,678 के अराउंड, अगर वो आज ऊपर जाता है। सो लेट मी शो यू वंस अगेन। तो यहाँ पे चलते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे आते हैं। सो 50,700 तक मान के चलो, लेकिन मैं 600 तक ही आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। 50,683 तक बिटकॉइन का जो मैक्सिमम प्राइस है वो आज जा सकता है, अगर आज की बात करें। कल की बात करेंगे तो कल इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। कल 50,600 के अराउंड, 599, राइट, 50,600। उसके नेक्स्ट डे इसकी पॉसिबिलिटी 50,435। ऐसे ऐसे जैसे डेज आगे आगे बढ़ते जाएंगे उसकी पॉसिबिलिटी उतनी जो है वो डाउन जाती जाएगी। सो यही डिसेंडिंग ट्राइंगल अगर इसका पैटर्न बन रहा है, तो अगर ये हम मान के चलें कि ये एक डिसेंडिंग ट्राइंगल है जो कि ऑलमोस्ट बन चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पर डिसेंडिंग ट्राइंगल बन चुका है, जस्ट अभी हमें वेट करना है एक अच्छे और नए डिप का जहाँ से हम इसको बाय करके और क्विक प्रॉफिट जो है वो अर्न करेंगे। सारे ऑल्ट कॉइन इसी के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। जो जो भी आपको पोजीशन लग रही है कि जिसमें आप प्रॉफिट में हैं, एटलीस्ट आप अपनी 20-30% जो है वो निकाल सकते हैं, या आप अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल सकते हैं, और जो प्रिंसिपल अमाउंट एटलीस्ट निकाल लीजिए और प्रॉफिट को स्पेंडिंग में बढ़ा रहने दीजिए, राइट? सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस हिसाब से चलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन का अगर ये डिसेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है सो यहाँ से वो नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट करेगा। पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ से वो ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट कर जाए। हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है अगर वो ब्रेक करेगा तो? अगर इस पॉइंट को ब्रेक करता है, या आपको लग रहा है कि यहाँ से 60,000 तक जाएगा, जब तक वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक आपको किसी नए ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सो इन केस अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर देगा दैट इज़ वेल एंड गुड। जिन्होंने बहुत पुराना बाय किया हुआ है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और उनके पुराने लॉसेज रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से ऐसा नहीं हुआ देन वापिस इसके जो चांसेस हैं वो यहाँ पे आने के हैं। यहाँ से हो सकता है हाफ से फिर से एक बार इसको यहाँ पे टेस्ट करें या वापस नीचे आएगा यहाँ पे।
तो वो पॉसिबिलिटी हमें देखनी है। दैट डिपेंड्स कि अब ऐसी कौन सी न्यूज़ आती है जो कि बिटकॉइन के प्राइस को दोबारा नीचे की तरफ डंप करेगी, राइट। तो पहले प्राइस डंप होगा, उसके बाद यहाँ पे जो न्यूज़ है वो दोबारा आएगी। सो ये बिटकॉइन का अगर हम बात करें, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मैंने आपको बता दिया, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने ऑल्ट्स कॉइन में या जितने भी आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसी के अकॉर्डिंग देख के ही आप इन्वेस्ट कीजिए, बाय कीजिए या सेल कीजिए। सो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। सो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट की और ऐसी प्राइस प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। थैंक यू।